दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे नोएडा के प्रसिद्ध मॉल, नोएडा का सबसे फेमस मॉल गार्डन गैलेरिया के बारे में। गार्डन गैलेरिया कैसे आ सकते हैं, यहाँ का समय क्या है, यहाँ पर मनोरंजन क्या क्या साधन है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गार्डन गैलेरिया मॉल, जो सेक्टर 18 GIP मॉल के जस्ट पीछे पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे गार्डन गैलेरिया मॉल में कितने पब्स हैं, गार्डन गैलेरिया मॉल कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। दोस्तों बात करते हैं गार्डन गैलेरिया मॉल पहुँचने की, तो आप सेक्टर 18 नोएडा मेट्रो स्टेशन से गार्डन गैलेरिया वॉकिंग डिस्टेंस पर है आ सकते हैं। सामने सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से उतरने के जस्ट पीछे GIP मॉल होगा और GIP मॉल के जस्ट पीछे गार्डन गैलेरिया है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है, जो बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, उसका चार्ज है 25 रुपये। तो अभी हम आ चुके हैं गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर। दोस्तों दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मॉल गार्डन गैलेरिया, जो शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक के साथ साथ पब्स भी ओपन हो जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ आकर आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर आ चुके हैं, अभी टाइम हुआ है 5:40। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर और यहाँ पर अभी सभी दुकानें ओपन हैं। शाम के समय पर यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ओपन हो जाते हैं, पब्स भी ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप बहुत से रेस्टोरेंटों पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर पबों की संख्या को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यहाँ पर हर एक पब उपलब्ध है। डेट नाइट के साथ साथ परिवार के अनुकूल मनोरंजन के विकल्प भी हैं। यहाँ पर एरो रेस्ट्रो और फ्लाई डाइनिंग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एयर रेस्ट्रो का मतलब है हवाई जहाज़ वाला रेस्टोरेंट और फ्लाई, जो हम आगे चल के देखेंगे। चलो अभी हम और मॉल में घूम लेते हैं और देखते हैं मॉल में और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं।
दोस्तों गार्डन गैलेरिया में आने के बाद आप यहाँ पर एक कैफ़े में बैठ सकते हैं, एक कप कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, ज़मीन से 160 फुट ऊपर रात को भोजन कर सकते हैं। गार्डन गैलेरिया मॉल में फेमस रेस्टोरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डियर बारबेक्यू कंपनी, चायोस, रूबरू, मासिया, क्लिंक द स्मोक फैक्ट्री, वाव मोमोज, रेडीज कैफ़े, वेंगो कैफ़े, कॉफ़ी डे, द फूड स्ट्रीट, इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। नाइट के समय में हर एक रेस्टोरेंट में म्यूजिक चलता रहता है, आप अपनी फैमिली के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं, वीकेंड का एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस हैं। दोस्तों मैंने इसके साथ साथ ग्रैंड वेनिस मॉल की भी वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ पर लिंक पर जाकर ग्रैंड वेनिस मॉल की वीडियो भी देख सकते हैं। और गार्डन गैलेरिया मॉल में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, चलो और देखते हैं आगे। दोस्तों अगर पब्स की बात करें यहाँ पर, तो मैं कुछ पब्स के नाम बताता हूँ। जो पे के भगवान, बार कंपनी, कम उम्र का प्रेमी, नो ऑब्जेक्शन हाउस, अपूर्ण, बादल की गरज, मूल्क शक्त, ये कुछ प्रसिद्ध पब हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप आकर नाइट आउट कर सकते हैं।